हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के पश्चिमी गांव में जमीन को लेकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मारपीट स्थानीय मुखिया सुरेंद्र राय के परिवार के सदस्यों ने की है। गांव के ही एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन मुखिया के परिवार के सदस्यों ने अपने रिश्तेदार के नाम पर धोखे से लिखवा लिया है। रविवार को दिन लोग आए, बाउंड्री उंडी कर लिए, थे नहीं घर पे, मम्मी पापा को दो चार तबरक मारे, इन लोग शांत हो गए, हम भी आए, बाद में बात खत्म हो गया। उसके बाद आ जाए, आज सुबह है तो सुबह आते हैं तो उन लोग पहले पीटे, सबको पीटे, घर से बिलगा दिए, उसके बाद बाउंड्री तो घर तोड़ने लगे, घर तोड़ने लगे। उसके बाद आदमी वहाँ पे आए, मेरे पड़ोसी पड़ोसी को अनिल भैया के हंसुआ चला दिए। हंसुआ चलाने के बाद जब सब कौन लोग थे, वो लोग सांसद थे, सुरेंद्र राय के भतीजा है, मुखिया जी का। अच्छा, और मामला किसके लिए हुआ था? मामला जमीन विवाद के लिए हुआ था। हम सुबह गए थे, हमको राजू कुमार बुलाने गया था घर पर जी। तो हम गए थे इसके घर पर, गए हम कि इसका घर तोड़ रहा है जी। हम गए पूछने के लिए कि काहे घर तोड़ रहा है, तो हम पर हंसुआ से वार कर दिया। सत्यजीत कुमार सहनसा, किनका भतीजा है? सुरेंद्र राय मुखिया का भतीजा है। व्यक्ति ने बताया कि घर में शौचालय बनवाने के नाम पर उससे आधार कार्ड लिया गया था और कई सारे दस्तावेजों पर दस्तखत भी कराए गए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जमीन ही लिखवा ली जा रही है। मुखिया का भतीजा है ना, सहरसा सुभाष, हाँ। वो लोग हमारा घर के आदमी से ठग के कहूं कागज बनवा लिया। अच्छा, उसके बाद अब आता है जमीन घेरता है, बबनी घेरता है, घर तो दिया, केला उला था वो पूरे खेत का काट दिया। आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई? इसको मारता है रगत की, इसको बचाने गए तब तक ले वो दूसरे के मार दिया। आज जब मुखिया के रिश्तेदार जमीन पर आए और घर तोड़ने लगे, तब कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसका नतीजा हुआ कि मुखिया के परिजनों ने जमीन मालिक के साथ साथ ग्रामीणों को भी पीटा और हवाई फायरिंग भी की। जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, वहीं मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। हाजीपुर ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।